खबर राजनीतिक मुद्दों से जुड़ी हुई है, जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आने से पहले ग्वालियर कांग्रेस में बंदूकें तन गईं। यात्रा की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को अचानक मीटिंग बुलाई गई। इसमें यात्रा प्रभारी योगेंद्र तोमर मंडल अध्यक्षों से बात कर रहे थे, तभी कांग्रेस जिलाध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने उनका विरोध किया। इस पर योगेंद्र उनसे भिड़ गए और समर्थकों से बंदूकें निकाल लाने के लिए कहा। मीटिंग हॉल में नीचे से दो युवक बंदूक लेकर आ गए, इससे जोरदार हंगामा हो गया। हालांकि वरिष्ठ नेताओं ने हालात संभाल लिए। मामले की शिकायत भोपाल और दिल्ली तक पहुंच गई है। जांच के लिए भोपाल से जिला प्रभारी महेंद्र सिंह शनिवार को ग्वालियर पहुंच रहे हैं। उन्होंने विवाद की शिकायत मिलने की पुष्टि की है। मध्य प्रदेश में 15 साल तक सत्ता से दूर रहने के बाद साल 2018 में कांग्रेस ने वापसी की, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के 22 विधायकों के साथ बगावत करने के बाद कांग्रेस से सत्ता छिन गई। देश भर में कांग्रेस का हाल ठीक नहीं है। यही कारण है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के नवंबर महीने के अंत तक मध्य प्रदेश में आने की संभावना है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी इस यात्रा के जरिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। यात्रा के दौरान प्रियंका गांधी भी मध्य प्रदेश आ सकती हैं। पीसीसी में इसका पूरा प्लान बनाया जा रहा है। हर जिले में एक एक यात्रा प्रभारी बनाया गया है। योगेंद्र ग्वालियर प्रभारी है। कांग्रेस कार्यालय ग्वालियर के यात्रा के संबंध में बैठक बुलाई गई थी। बैठक में योगेंद्र तोमर मंडल अध्यक्षों को खड़ा कर उनके प्लान के बारे में पूछ रहे थे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने इसका विरोध करते हुए कहा कि आप अपना कार्यक्रम और प्लान बताएं, ऐसे सभी को खड़ा करके बात नहीं करें। इस पर योगेंद्र तोमर भड़क गए। उनकी देवेंद्र शर्मा से बहस हो गई। योगेंद्र तोमर के कहने पर उनके समर्थक कार से बंदूकें निकाल लाए। कांग्रेस के अन्य मंडल अध्यक्षों ने यात्रा प्रभारी को हटाने या उनके इस्तीफा लेने की मांग की है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष देवेंद्र शर्मा का कहना है कि बैठक में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, यात्रा प्रभारी का तरीका गलत था, मैंने समझाया तो उस पर विवाद हो गया था, भोपाल में वरिष्ठ नेतृत्व को अवगत करा दिया गया है। वही भारत जोड़ो यात्रा प्रभारी योगेंद्र तोमर ने कहा कि मैं बात कर रहा था, पता नहीं जिलाध्यक्ष को क्या बुरा लगा, एक गार्ड तो हमेशा मेरे साथ रहता है, बंदूक किसी ने नहीं तानी थी।